सतनाम 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 बाबा अच्छा जपनाम जपनाम निराला बाबा निराला। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गिरी नेशनल पार्क, वहाँ पे आपको शेर चीता और याक दिखाएंगे। याक को हिंदी में क्या कहते हैं? याक को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो भैंस नहीं, भैंसा भैंसा। चलिए तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे जंगली भैंसा। हाँ जंगली भैंसा। अभी अभी पता चला कि गिर नेशनल पार्क बंद है, तो हम लोग स्वामी नारायण मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी खुला है, रास्ते में ही पड़ेगा। तो चलिए वहाँ जाते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या करना है। वैसे भी आज अखिलेश भाई को गांव जाना है, शाम को इनको छोड़ने भी जाना है, बाकी का आगे बनाते ही। अभी देखो रास्ते में जा रहे हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं वहाँ क्या होता है। अभी चलो यहीं देखते हैं अंदर। वैसे ही जिन लोग को पता नहीं बता दूं, ये मंदिर जो है अहमदाबाद में पड़ता है, घोड़ासर में। जिसको भी देखना सुबह से लेकर शाम तक चालू रहता है, आ सकते हैं। आगे से यू टर्न लेके फिर से आएंगे, इधर रॉन्ग साइड पड़ रहा था इसलिए। देखिए आगे कट आ गया डिवाइडर का, यहीं से हमें यू टर्न लेना है। एंट्रेंस है अपनी, ये देखिए अंदर एंटर होते हुए। एंट्री पे सामने स्वामी नारायण, लेफ्ट साइड में गणपति, राइट साइड में बजरंगबली, और ये एंट्रेंस। आओ देख सकते हैं ये बीच में, फिर ये इधर इधर से चालू हो जाता है। ये देख लीजिए ये सब पिलर से बीच में गए, इन पे ध्यान मत देना। आओ हाँ यार जल्दी चलो। हेलो ये देखो ये पानी ले लेगा ना? नहीं तो पता नहीं।
पता नहीं गाइस कौन है, आपको पता हो तो बताना है कमेंट करके। गाइस ऐसे ही हमारे योगी बाबा भी हैं, भी जगह और हम ऊपर आते हुए देखो यहाँ से, और ये मेन स्वामी नारायण। बेसिकली है पूरा डिजाइन मंदिर का, नहीं बंद है, इससे ऊपर भी थे लेकिन बंद है अभी। आओ चलो। अरे गाइस बाहर का एरिया आप देख सकते हैं, कितना बड़ा गार्डन है यहाँ आजू बाजू में, पूरा बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये मंदिर के बाद रात में यहाँ पानी भी होता है और ये फाउंटेन पर लाइट भी जलती है। कुछ नहीं बना। अरे कुछ तो हुआ है, चौधरी को हुआ है। चलो कटिंग चल रही है उधर, इधर देखिए इनकी धुलाई हो रही है। ये फाउंटेन से सबकी धुलाई हो रही है और उधर देखो कटिंग चल रही है। अगर आपको पीछे का भी एरिया दिखा देते, आइए। और वो जो है वो प्लेग्राउंड है इसके पीछे, इसके पीछे वहाँ पे ये आश्रम वालों नहीं, मंदिर वालों नहीं जगह छोड़ रखी है खेलने के लिए, वरना पता ही है मंदिर की जगह बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। खुद से दे दिया तो बात अलग है, वरना कोई ले नहीं सकता। ये देखो महाराणा प्रताप तो नहीं है वैसे, पता नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन कोई तो है, कोई तो। गाइस ये देखिए क्या है, क्या है विशाल, ये समुद्री पत्थर है क्या? नहीं समुद्री पत्थर नहीं, नहीं नहीं गोलियां है, गोलियां। हाँ चौधरी की गोली है, चौधरी मार के रखा करो अपनी गोलियां, कहीं भी गिराते फिरते हो। कैसे निकालते हो बाहर? वैसे आपको बता दूं ये तोरण है, तोरण गुजराती में इसको तोरण बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हो पता नहीं, हिंदी में इसको गोली कहते हैं। किसी को अपनी गोलियां निकालना होगा चौधरी से संपर्क। चौधरी बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी, कुछ कहना चाहो? अपनी गोली देख रहे हो, कौन सी है? मेरी थोड़ी हो गई है इसमें। गाइस ये देखिए बाबा श्री निराला दास यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए अमन चौधरी निराला दास से। सतनाम 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 बाबा, अच्छा जपनाम जपनाम निराला बाबा निराला। बोलो बाबा निराला काशीपुर वाला की जय हो, जपनाम जपनाम जपनाम। ये देखिए सैलरी, ये है चौधरी और ये चौधरी चाचा, 14,000 रुपये महीने मिलती है चौधरी के चाचा को, 14,000 रुपये महीने मिलती है सैलरी। चाचा लिए है लाठी बिचाने वाले गाँव की जगह कोई आ सकता है तो दे सकता है। चाचा लाठी लिए अभी, लाठी से बस चौधरी, अरे पुलिस वाली लाठी, पत्थर की लाठी है।
चाकू नहीं तलवार है। चाकू भी दिया जाएगा साथ में। भाई चांस सामने वाला बंदूक लाए तो तुम ऐसे चाकू निकाल के फेंक सकते हो सीधा। अगर निशाना लगा तो ठीक, नहीं तो गोली का निशाना तो तुम पे है ही रहे। तुम्हारे बाद फिर इनका नंबर आएगा। तो एक गोली लगने के बाद फिर इनका नंबर आएगा। और ये कौन से चाचा हैं? चाचा के बेटे हैं लग रहा है। इधर इधर। हाँ। और ये सब चाचा के बेटे हैं, इनके पास भी चाकू तलवार मिले इसे पूरी तरह। समझ लिए, चाचा के पास AK-47 है तो इनके पास पिस्टल है। हमारे चाचा का एक हाथ डैमेज हो गया है। हमारे चाचा का एक हाथ डैमेज हो गया है। ओहो, अरे वो डैमेज नहीं, वो क्या तलवार लग गई थी, तलवार जंग हल्दी घाटी के युद्ध में थे, युद्ध में तलवार लग गई थी तो हाथ पानी पर अच्छे कुमार मार दिए थे। हाँ, तो क्या घोड़े से वो कूद के उतरे थे ना, तो तलवार गलती से इधर से जो निकलती नहीं है उधर से तलवार, जैसे कूदे तो बाजू में खड़े थे, हल्दी मार के तलवार हाथ पे लग गई। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ था और हाथ डैमेज हो गया। ओहो, अभी आज पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अच्छे कुमार बिमल का प्रचार। टॉयलेट में भी कैमरा लगा रखा है, टॉयलेट ही है। ये भी दिखा दे टॉयलेट, ये देख सकते हो। उसकी बात ये है, उसकी बात ये है, टॉयलेट करने के बाद देखा सबने, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। चलो चौधरी वायरल हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, चौधरी वायरल हो जाएंगे और क्या है। चौधरी जा रहे हैं FIR करने। रास्ते में रुक गए थोड़ा, कर्णावती आ गया तो वड़ा पाव खाने का मन हो गया। विकास गए लेने, विकास को आन दो फिर खा पी के उसके बाद निकलते हैं, फिर आपको अगला स्टेशन पे चल के फिर स्टार्ट करते ब्लॉगिंग। गाँव जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है, अब नहीं आएंगे जान, बहुत दुख होता है जाने पे। चौधरी तुम भी चलोगे? मेरी जाने की इच्छा है पर अभी नहीं जा सकते हैं। क्यों? अभी कुछ काम है। अच्छा, अभी 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है। अच्छा, मिठाई लेके चलोगे? हाँ। चलो ठीक है गाइस, हम अहमदाबाद स्टेशन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो गाड़ी हमारी वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पहले गाड़ी में सबको बिठा दूँ, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं, ठीक है? विकास भाई आते हुए, क्या हुआ, मजा आ रहा है? अरे अब तो मजा ही आएगा, गांव जाना है एकदम खूब मजा आएगा। क्यों? बहुत मजा है। हाँ चलो, अभी ये जा रहे हैं, एक दो महीने बाद फिर हम भी जाएंगे, तब हम मजा आएगा। अभी डिसाइड नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकती है मेरी। गाइस हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, वो लोग भी पीछे आ रहे हैं, उनको अभी रास्ता पता नहीं है। कोच ढूंढ लेते हैं गाइस, कोच कहाँ पर है। विकास उस साइड गया ढूंढने, मैं इस साइड जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन के। कोच हमको मिल जाएगा, उसके बाद सबको बिठा देते हैं, फिर सब लोग एक साथ बात करते हैं। वैसे भी नाश्ता पानी भी करना है, काफ़ी रात हो गई है। इधर इंजन तक पहुँच गया, डब्बा नहीं मिला, लगता है उसी साइड है जिस साइड विकास गया ढूंढने। चलो अभी उसी साइड जाते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि डब्बा उसी साइड है। अब तक तो मुझे लगता है वो लोग पहुँच भी गए होंगे डब्बे में। मैं सोचा क्या पता इस साइड हो, इसलिए मैं बोला तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर आता हूँ। मैंने उन लोग को रोक कर गया था, हम लोग वहाँ पर आ गए, उन लोग को मैं आगे रोक के गया था, आगे वो लोग नहीं दिखते तो इसका मतलब वो लोग चले गए पीछे के साइड डब्बे में और शायद खड़े हैं। चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अरे ये रहे, यही है। ये गाइस हम लोग स्टेशन पर पहुँच चुके, डब्बा हमारा एकदम लास्ट में आया। अभी सब सामान वामान पैक करके बस 10 मिनट में गाड़ी छूटेगी, इसलिए बाहर बैठे हैं। हमारी गाड़ी का नाम है शक्तिमान एक्सप्रेस और वो चलती है साइकिल से भी धीरे, जहाँ पाती वहीं रुक जाती है। नाम है शक्तिमान और साइकिल से भी धीरे चलती है, देख लीजिए जूनियर जी। चलिए गाइस गाड़ी निकल गई है और हम भी अब जा रहे हैं, अब हम भी घर निकलते हैं और आज का ये ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं अब अगली बार एक और नए ब्लॉग में। बाय।